खुश आमदीद अहमद। अच्छा लगा आबरू। फोन में आवाज बहुत बुरी आ रही थी। आबरू कहीं तुम रो तो नहीं रही थी? मैं बहुत तंग आ गई हूं अहमद, उसी वजह से तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुमसे अपना दुख शेयर कर सकूं। किसने तंग किया है तुम्हें? क्या वो सिनान ने कुछ कहा है? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, मलिक अम्मी से झगड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ? क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? यहां मेरा दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सांस बंद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ये अभी भी इरमक के साथ खेल खेल रहा है, लेकिन मैं भी कभी इस आदमी को उसके पास नहीं छोड़ूंगा। मुराल ठीक है, बहुत हो गया। अब इरमक को थोड़ा ठीक होने दो, उसके बाद उससे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र से काम लो तुम। तुम्हें किसने खबर दी थी? क्या किनान ने? किनान का क्या ताल्लुक इससे? अम्मी ने फोन किया था, उन्हें जरूर किनान ने फोन करके बताया होगा। तुम्हारी अम्मी भी वही थी? मैं समझी नहीं, क्या मतलब है इस बात का? क्या निकाह की जगह पर? हाँ बिल्कुल, जहाँ पर निकाह होना था तुम्हारी अम्मी भी वहां मौजूद थी। अपनी बहन को इस हाल में देखकर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो दुल्हन का लिबास पहने हुए किनान के कंधे पर दम तोड़ने वाली थी। अजीज भाई कहाँ हैं आप? ठीक है भाई, आप पहुंचे मैं वहीं आपके पास आता हूं। ठीक है, समझ गया, बहुत शुक्रिया। अजीज भाई, क्या आप जल्दी नहीं कर रहे? अजीज भाई, 26 साल मेरे जाया हो चुके हैं, ये तो कुछ नहीं हफीज। इजे का कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, नहीं पता। वो एक लड़की, उसकी दोस्त थी ना, हांदे, परेशानी में उसी के पास जाती थी, उससे पूछा? जी मैंने पूछा था, अभी उसी से बात की है। हर दर्द का एक ही मरहम होना चाहिए। ओहो अजीज टुब्राक, कैसे होगा ये सब मुझे नहीं पता। खाना एंजॉय कीजिए भाई, आओ साथ में खाते हैं। खुशामदीद कैनान। बहुत शुक्रिया भाई। ऐसे मत देखो हफीज। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा भी है। वो ये लॉकेट में तुम्हें बहुत पहले देने वाला था, लेकिन देना अब नसीब हुआ। पहनाओ ना।
जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। किस्मत देखो हमारी, एक वक्त था जब तुम्हारे पास चाय भी पिलाने के पैसे नहीं थे अहमद, और आज तुम इस्तांबुल के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। वो क्या बात थी जो तुम मुझे बताने वाली थी यहां पे? क्या हो सकता था, आखिर वो मेरी सौतेली माँ है, हर चीज का गुस्सा मुझ पे ही निकालती है। ऐसा नहीं कहते आबरू, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। सालों से तुम्हें हजल से अलग ही समझा है उन्होंने। ये बात तुम मुझसे पूछो, हजल उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका किनान को छोड़ना और वुराल से शादी करना मुझे और बाबा को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा है? मतलब साफ है, तकलीफ देने के लिए बहाना ढूंढ रही है वो। अहमद, तुमने उनका अभी असली रूप नहीं देखा। मैं थक गई हूं बहुत ज्यादा। मैले कमी अपनी बेटी की बातों पर पर्दा डाल रही है, लेकिन मुझे हर बात पहले से पता है। हजल की नजर हमेशा बड़े लोगों पर थी। हजल बचपन से ही शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारने का सोचती थी। उसने वुराल को देखते ही उसे फंसा लिया। मुझे बताओ मेरी क्या गलती है? देखो ठीक है, तुम उदास मत हो बिल्कुल भी। तुम बहुत अच्छे हो अहमद, बहुत शुक्रिया। आप यकीन कीजिए, वो मरने वाली थी, और वो भी मेरी वजह से। निकाह से पहले मेरे इनकार कर देने की वजह से। मैंने अलग होना चाहा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जल्दी गुजर जाएगी मेरे शेर। लड़की की हालत सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन ये जो शादी का काम हुआ है इससे बहुत खुशी हुई। झूठ क्यों बोलू मैं, सही फैसला किया तुमने। मुझे नहीं पता भाई, यकीन कीजिए आप मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही किया या गलत किया, मैं खुद कंफ्यूज हूं। इधर देखो, कहीं फिर से तो वो गलती नहीं करने वाले? नहीं भाई, नहीं कर सकता। ये जो मेरे अंदर बदले की आग है, अगर ये मुझे राग भी बना दे तो भी मैं इरमक को नहीं चला सकता। वो मासूम है, वो सच में मुझसे मोहब्बत करने लगी है भाई। मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकता, उसे ठीक होने दे, फिर मुनासिब मौका देख के उसे सब बता दूंगा। और वो हजल? आज मूड अच्छा था, अपने शौहर को तसल्ली देने के लिए चारों पैरों पर खड़ी थी। इसका मतलब वो खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने, और क्या चाहिए।
दरअसल हकीकत कभी ना दिखने की चीज नहीं है मेरे शेर। मुझे ये समझने में 26 साल लग गए और आगे का कुछ पता नहीं। क्या वाकई आप परेशान नहीं हैं? क्या हुआ बताइए तो। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। आबरू, तुम कहां पे रुकोगी आज रात? हजल के पास जाऊंगी। वहां मत जाओ तुम। लेकिन वो क्यों अहमद? क्योंकि वो घर कोई भरोसे के काबिल नहीं। उस घर में इंसान के ऊपर कुछ भी आ सकता है। अरे नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी अपनी बहन से बातचीत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा मत जाओ उस घर में, और अगर जाओ भी तो होशियार रहना, खास तौर पर उस सिनान नामी बदबख्त से। वो बहुत खतरनाक है आबरू। तुम्हारा आखिर क्या मसला है सिनान के साथ? वो आदमी मारने वाला था मुझे। लेकिन वो क्यों? मैं यानी हम एक साथ काम करते थे, जो मेरा एक गलत फैसला था। मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया एक मजबूरी के तहत। यह आदमी बहुत होशियार और मक्कार है। वो एक ट्रक सप्लायर है। क्या ट्रक सप्लाई करते थे? सिनान साहब? अरे यार सिनान साहब मत कहो उस कमीने को, बहुत बड़ा कमीना है वो, किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे मत छोड़ो। बेटी, एक निवाला तो खा लो। क्या हाल बना लिया है अपना? कहीं तबीयत ना खराब हो जाए तुम्हारी। मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करें आप। पहले मैं किसी वकील के पास जाकर तलाक का केस करूंगी। बहुत से लोग हैं जो इडर वाला घर खरीदना चाहते हैं। वो घर बेचकर हजल के साथ एक रेस्टोरेंट खोलूंगी। मैं और मेरी बेटी दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और अजीज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें मुमकिन नहीं हैं। जो हमने 26 साल में खोया वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। वक्त गुजर चुका है। नहीं लग रहा। किसे किया था? आबरू को। बहुत गुस्सा किया, बहुत टूट गई। लेकिन एक जवान लड़की बाहर तन्हा कैसे रहेगी? बेटा, आबरू खलील की बेटी है। अब तक तो उसने रहने के लिए कोई दरवाजा ढूंढ लिया होगा। तुम उदास मत हो, कुछ तो खा लो बेटी, वरना बीमार हो जाओगी मेरी प्यारी बेटी।
क्या आप यहाँ रुकेंगे बाबा? बेटा फिलवक्त तो मेरी हालत एक लावारिस इंसान जैसी है, ना घर का रहा ना घाट का रहा, अब तो कोई जगह नहीं रही। उस औरत को मेरी माँ मत कहिए, एक तो आप अपना मुंह बंद नहीं रख सके और आपकी वजह से सबको मालूम हो गया। देखो डांटो मत उसे, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो, उसको जाकर समझाने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। बेटी मेरी हालत हजल को बताओ और उससे बोलो अपनी माँ को समझाए, हमें मलिक को मनाना होगा। बेटा अपनी माँ को सिर्फ हजल मना सकती है, वो और किसी की बात नहीं सुनती है। बाबा जान उन लोगों की जिद हमें निकाल सकती है क्या? पहले मैं हजल को अपनी मुट्ठी में लूंगी, मलिक अम्मी तो पहले ही जेब में है। अब बारी है दमिरोलो फैमिली की, मैंने ऐसे ही इस महल में कदम नहीं रखा, बाद में आप ही अपनी बीवी से मिल लेंगे। देखो बेटा तुम्हारे दिमाग में वही चालाक हरकतें आ रही हैं, तुम क्या करने वाली हो इसे? मैं हजल से वो सब कुछ छीन लूंगी जिसके पीछे मैं सालों से हूं बाबा, जिस पर मेरा हक है। लेकिन आप सब्र करें, जो मैं चाहती हूं अगर वो मुझे मिल गया तो मैं आपको महल में नहीं बल्कि उससे अच्छी जिंदगी दूं। चलो इंशाल्लाह। हजल क्या तुम फ्री हो? हजल देखो वो आज तुम यहां पर मेरे पास हो मेरी सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए, मैं बहुत खुश हूं इस बात से। बस इशारा करो तो मुझे पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। तुम्हारे साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकती, ये सब जानते हुए ही तुमने मुझसे शादी की है। असल में हजल मैडम। क्या हुआ? वो हजल मैडम की बहन आई है वुराल साहब, मैं इन्हें यही बताने आई थी। आबरू? जी हाँ। आबरू क्या हुआ? अम्मी तो ठीक है ना? बताओ। मेरा अम्मी के साथ झगड़ा हुआ, मुझे घर से निकाल दिया, मैं यहाँ आ गई हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें इस वक्त यहाँ देखकर मैं हैरान हो गई। सच में अगर तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोई और जगह देख लूंगी। मेरी बीवी की बहन हो तुम, तुम्हारी जगह सराखों पर है। प्लीज नीचे वाला रूम आबरू मैम के लिए तैयार कर दो, अब से वो यही रहेंगी। ठीक है वुराल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है फिर तुम लोग आपस में बात करो, मुझे और भी काम है। क्या हुआ? चलो बताओ सब। अम्मी पागल हो गई थी हजर, जब मैं घर में दाखिल हुई तो वो बाबा पर चाकू से हमला कर रही थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगी और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। देखो मेरे होंठ पे। तुम सच बोल रही हो? वजह क्या थी? अम्मी ने ऐसा क्यों किया? लेकिन वजह तुम हो हजर, जो कुछ भी हुआ तुमने माँ को बता दिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि ये सब बातें तुम माँ को ना बताना, वो बाबा या मेरी तरह नहीं है जो इस मामले को समझ सके। आखिर वो माँ है और जैसा मैंने कहा था वैसा कर लेती तो क्या होता, सबको उसकी सजा मिलती। शुक्र मनाओ किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे अलावा। ऐसा मत बोलो, देखो यहां शहजादियों की तरह रहती हो, तुम्हारा शौहर तुम्हें पलकों पे बिठा के रखता है, तुमने अपने चाहने वालों को बचाया है। सिर्फ यही एक फायदा है आबरू,
अब हमें तुम्हें बचाना जरूरी है। अम्मी बाबा के साथ मुझ पर भी इल्जाम लगा रही हैं। चलो मैं जो भी हूँ, लेकिन मेरे बाबा, इस उम्र में अम्मी ने उन्हें घर से निकाल दिया, वो बर्बाद हो जाएंगे। क्या होगा उनका हाजिर? तुम माँ से बात करो, हमारा कोई कसूर नहीं, उन्हें बताओ। ये तुम्हारा अपना फैसला था हाजिर। ठीक है, मैंने भी अब एक फैसला कर लिया है आबरू। अब मैं मजबूत बनूंगी और ताकतवर बनूंगी। इरमा का गैराज बीमार ना हुई होती तो किनान से उसकी शादी हो चुकी होती। एक मिनट रुको, किनान और इरमा शादी कर रहे हैं क्या? हाँ, इरमा के बीमार होने की वजह से वो वापस आ गई। उसके ठीक होने के बाद क्या होगा अबरू? फिर से शादी करना चाहेंगे वो लोग। कोई भी मेरी कुर्बानियों को नहीं देखेगा और ना ही सोचेगा। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है यहाँ। अब मैं भी वैसे ही करूंगी। हजर, हमें उनकी शादी को रोकना बहुत जरूरी है। यानी अगर वो शादी करते हैं तो किनान हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने होगा, तुम दोनों के लिए खतरा होगा। वुराल से बात करो, ये शादी रुकवाओ। कमरा तैयार है आबरू मैडम। शुक्रिया नौरा। चलो अब तुम आराम करो जाकर, हम बाद में बात करते हैं। जो मैंने कहा है वो भूलना मत, वुराल से बात करो। अच्छा, गुड नाइट, मैं चलती हूँ। आइए मेरे साथ। आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नौरा? जी। मेरे हिसाब से तो शायद ये नीचे जो आई है आबरू है ना? आबरू मैडम यही रुकेंगी डेफनी मैम, वुराल साहब ने कमरा तैयार करवाया है। अच्छा ठीक है, बस इसकी कमी थी। बाबा जान, हकीकत मालूम होने के बावजूद मैं खुद को बाबा कहने से रोक नहीं पा रही हूँ। ये कहने की बात नहीं है, अंदर से कुछ और निकलता ही नहीं, क्योंकि मुझे और आकिन को भी सगे बाप से भी ज्यादा करीब रखा आपने। इसी वजह से इतने सालों से कभी महसूस ही नहीं हुआ, और ये बात सुनते ही ढेर हो गई। मैं जर्मनी में अपने भाई के पास जा रही हूँ, बहुत लंबे वक्त तक नहीं लौटूंगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इस दर्द से मैं उभर नहीं सकती। इसे भरने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा, शायद एक लंबी उम्र। आपके होने के लिए, इतने सालों से एक बाप की शफ़क़त के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका नाम आपकी फैमिली का एक झूठ होना उठाए जाने वाला बोझ नहीं है। कम से कम ये बोझ तो मैं नहीं उठा सकती। प्लीज हमारे पीछे मत आइएगा, हमें कुछ वक्त दें, शायद एक दिन हम इससे निकल जाए। मतलब इजे ने जानान के साथ हुई मेरी बात सुन ली, सब कुछ पता लग गया। आकिन के पास चली गई है। अगर आप चाहें तो मैं जाकर ले आऊं। रुको, कुछ दिन ऐसे ही रहने दो उन्हें, आकिन के पास तो ठीक रहेगी। लेकिन आकिन को किसी भी चीज का इल्म नहीं, अब क्या होगा? ये अकलमंद लड़की है, वो मैनेज कर लेगी, दुख नहीं देगी अपने भाई को। एक मुद्दत के बाद ही इन दोनों से मिलना चाहूंगा मैं। मैं पागल हो जाऊंगी अम्मी, हजल ही काफी नहीं थी कि इसकी बहन भी आ गई। इनका कब्जा करने का इरादा है और यहाँ एक सेनान है जो मेरी बातों को समझता नहीं है। अम्मी सब वोराल की वजह से है। क्या इरमक? इरमक ठीक है, फिक्र ना करें। इरमक मैम जो कहेंगी वो होगा। मैं इस फैमिली का सालों से हिस्सा हूँ, लेकिन उस कंपनी में ना ही मेरा हिस्सा है और ना ही मेरी कोई बात सुनता है। अगर चलती है तो सिर्फ इरमक की चलती है, वो बॉस जो है यहाँ की आखिर। और पता है, फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन के साथ चुपकर शादी करने वाली थी। आफरीन है वैसे उस पे, और हजल तो जैसे मलिका है यहाँ की।
मुझे ना दोनों से नफरत है, दोनों बस दिमाग खराब करती हैं। सिनान, मैं तुम अपना मुंह बंद कर लो डफने, किसी को कुछ भी कह सकती हो तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इरमाक मेरी बहन है, आज के बाद मेरी बहन के बारे में कुछ कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी? तुम कान खोल के सुन लो। जी बोलिए अम्मी। बेटी कहाँ हो तुम? बाहर हूँ, एक काम था। खैरियत, आप क्यों पूछ रही हैं? उस कॉफी शॉप पर आ जाओ जहाँ हम पिछली बार मिले थे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? कहा ना सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। अम्मी कहाँ है? कंपनी गई है, कह रही थी एक घंटे में आ जाऊंगी, तुम सो रही थी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह देना स्वीटी। उनको दवाई का टाइम बता दिया है आपने? दवाई का टाइम बता दिया ना सलमा मैम को? जी सर, सबकी लिस्ट बना ली है। इरफान जी बोलिए। सब चीजों का इंतजाम तुम करोगे और दिन में दो मर्तबा तुम डॉक्टर को घर पे लेकर आओगे स्पेशल चेकअप के लिए। जी ठीक है सिन्हान साहब। नोरा हर आधे घंटे में आकर इरमाक को चेक करेगी, कोई जरूरत हो तो देख लेना। जी समझ गई, आप फिक्र ना करें। घर के जनरेटर का भी ख्याल रखो, उसमें जो भी मसला है उसको जल्द से जल्द ठीक करवाओ, एक सेकंड के लिए भी जनरेटर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है सिन्हान साहब, मैं उसे फोन करके बुलवाता हूँ। शुक्रिया। कितनी अजीब सी बात है कि जो जगह हम लेना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रही है। हसर, तुम कुछ बोल नहीं रही, क्या हुआ है? अम्मी, जब इरमक बीमार हुई तो आप वहां थी क्या? आप क्या कर रही थी नेका के दफ्तर में? मेरा दिल नहीं माना था कैनन उस लड़की की वजह से खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए, मेरा दिल राजी नहीं हुआ। कैनन भी मेरे बेटे की तरह है, ये उसका एहसान है हम पे, इसलिए कुछ गलत मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब। अच्छा तो फिर कैसे रोकती हूँ उसे आप वराल के साथ मेरी शादी का सच बताकर? किसी से कोई बात कहने की जरूरत नहीं है बेटी, अल्लाह भी इस शादी से राजी नहीं है। इरमक कैसी है अब, क्या हॉस्पिटल में है अभी भी? हाँ वही है, हॉस्पिटल में। अल्लाह उसे जल्दी सेहत अता करे। अच्छा क्या तुमने फोन करके बता दिया कि आबरू तुम्हारे पास है? बाबा भी तो वहीं पर हैं, उनकी फिक्र नहीं है क्या आपको? रहने दो उसे, अल्लाह उसे उसकी सजा देगा। अम्मी ऐसे तो मत कहे ना, जो भी हुआ है अब छोड़ दे उन्हें। अम्मी हजल, उन लोगों की हिमायत मत करो, आबरू को अकल नहीं है अपने अच्छे बुरे की। और खलील, तुमने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये सब कुछ चीजें आंखें खोल देने वाली हैं। इतने सालों से वो मेरा शौहर है, उसके दिल में क्या चल रहा था मुझे सब पता है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर ऐसा है तो इतने साल से उनके साथ शादीशुदा क्यों रही, क्यों कबूल किया उन्हें? मुझसे तो सवाल कर रही हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी अम्मी? बेटा इस मौजू को बंद करते हैं, आबरू को भी बोल दो कि वो घर वापस आ जाए, मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो उस फैमिली के साथ रहे। वक्त आने दो, देखना मैं तुम्हें भी वापस बुला लूंगी। आप मेरी फिक्र करना बंद कर दें अम्मी, अब मैं पुरानी हजल नहीं हूँ, मैंने अपने हिसाब से एक प्लान बनाया है। अब आप इस बात का यकीन रखें कि कोई भी मुझे तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। हजल, ना मेरा दिल मान रहा है ना ही मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है तुम्हारे साथ करने क्या वाला है। जाने दो इस खस्से को।
उराल मेरे कमरे में नहीं आता, दूसरी जगह सोता है। आप सुकून से रहें अम्मी। तुम सच बोल रही हो? मैं उसको और किसी चीज की इजाजत भी नहीं देने वाली। खुशामदीद जनान साहिबा, वुराल साहब अपने रूम में हैं, अगर आप कहें तो बता दूं। जरूरत नहीं है, और किसी को बताना भी नहीं कि मैं यहाँ आई थी। मैं किनान से यहाँ बात करने आई थी, वो है? जी हाँ, किनान सर अपने रूम में हैं। आ जाएं। क्या तुम फ्री हो? बिल्कुल, आइए। मैं जानता हूं कि आप इरमा के मुतालिक बात करने आई हैं यहां। हाँ। फिक्र मत कीजिए, वो मौजू खत्म हो गया, हम अलग हो गए, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आप इरमा के साथ सुकून से रहिए। मगर मैं तुमसे कुछ और ही बात करने चाहती हूँ आज यहाँ पर। मैं तुमसे एक चीज मांगूंगी, मुझे मना मत करना। मैं कुछ ऐसा मांगूंगी जो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं था। बस यही हकीकत है, अपने प्यारों की जिंदगी के करीब गरूर की कोई अहमियत नहीं होती, है ना? इरमक तुम्हें बहुत चाहती है, यहां तक कि पागलों की तरह आशिक है। उसे खुश रखने वाले, उसकी जिंदगी बदलने वाले शख्स तुम ही हो। इरमक, इरमक बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। आप क्या कह रही हैं? इरमक, इरमक मर रही है, मेरी बच्ची इरमक मर रही है। किनान वो मर रही है, किनान वो मर जाएगी। मैं उसकी खुशी के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे खुश रखने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पास रहो, उसकी आखिरी सांसों तक। अपनी जिंदगी के रह जाने वाले दिन वो हर पल तुम्हारे साथ गुजारे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे साथ रहती है। हाँ तो हम आ गए हैं। ये तो वही जगह है ना जहाँ हम पिछली बार आए थे? हाँ बिल्कुल। और हम यहाँ भी क्यों आए हैं? चलो बताती हूँ। यही सरप्राइज था कि हम ये ले रहे हैं, अभी हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। खुशामदीद मेरी साहिबा। खुशामदीद, खुशामदीद, कैसे हैं आप लोग?
बहुत शुक्रिया आपका। क्या कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया आपने? तैयार है। बहुत खूब। जाती मालूमात कागजात में भरना लाजमी है। क्या मैं आपका आईडी कार्ड ले सकता हूँ? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अमित ने पैसे कहाँ हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ? पैसे तैयार हैं बेटी। क्या? इधर वाला घर बेच दिया। ऐसा क्यों किया है आपने? दादा की तरफ से सिर्फ वही यादगार तो थी, और ऐसे प्रॉपर्टी बेच देना सही तो नहीं है ना बेटी? मेरा सारा सरमाया तो तुम हो, और मेरा सब कुछ तो तुम्हारे पास है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अजीज भाई, हमने काम पूरा कर दिया है। मलिक साहिबा तक पैसे पहुंच गए। एक बात बताओ, मलिक को पता लग गया कि हमने घर लिया है? नहीं भाई, हमने एजेंट रखा था। फिर तो ठीक है। जनान मैम, क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकती। जनान मैम प्लीज, मैंने किनान के साथ आपकी बात सुन ली है। आपके बेटे का सुनकर दुख हुआ। तो तुम दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी? मुझे देखो, तुम इरमक की हालत के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करोगी वरना? फिक्र ना करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए किनान से बात करना अच्छा नहीं होगा। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? अस्तगफिरुल्लाह, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपनी बात कहना चाहती थी जनान मैम। हसल से बात करें। आपकी बेटी का किनान के साथ होने का एक ही रास्ता है, किनान को हसल से पूरी तरह अलग करना। और ऊपर से वुराल साहब ये रिश्ता कबूल नहीं करने वाले। आपकी बेटी और किनान को रोकने वाली बस हसल ही है। मेरी दुआ है कि आगे सब अच्छा चले। शुक्रिया। ये आपकी फाइल। बहुत शुक्रिया। और ये रही चाबियां। मुझे इजाजत दीजिए। मेरी दुआ है कि आप लोगों का काम अच्छा चले। जरूर। ये काम तो हो गया। चलो अब इसको यहां से हटा दो। आपकी बेटी का किनान के साथ होने का एक ही रास्ता है, किनान को हसल से पूरी तरह अलग करना। और ऊपर से वुराल साहब ये रिश्ता कबूल नहीं करने वाले। आपकी बेटी और किनान को रोकने वाली बस हसल ही है। यहाँ का सारा काम मुझे अकेले से तो नहीं होने वाला, लेकिन पहले सफाई से शुरू करती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं, लेकिन वो मैं सफाई खत्म करने के बाद देखूंगी, क्योंकि ये सारे काम मुझे एक एक करके खत्म करने हैं। हाँ ठीक है अम्मी। चलो शुरू करती हूँ। जी कहिए जनान मैडम। हजल तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताएं। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बीच वाले रेस्टोरेंट पर आ सकती हो क्या? खाना भी खा लेंगे और बात भी हो जाएगी। असल में मुझे थोड़ा काम है, क्या हम शाम में मिल सकते हैं? उस वक्त तक कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि बात बहुत अहम है।